अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल? तो यार आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं रॉयल पास के वीक 3 के मिशंस को देखने। तो यार काफ़ी मुश्किल भी है, इजी भी थोड़े मिशंस। तो यार आज मैं इस वीडियो में सारे मिशन आपको समझा दूंगा कि कौन से मिशंस कैसे करने हैं। तो यार चले फिर रॉयल पास की तरफ चलते हैं यार। तो यहाँ पे वीक 3 के मिशंस आ गए हैं। और भाई पहला मिशन है किल 5 एनिमी विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। तो यार भाई आप ये सिर्फ क्लासिक मोड में खेल सकते हैं। आप ये इजीली इसके लिए क्या जेपी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ओसर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसमें आप रैंक पुश करते हैं उसी में अभी खेल कर सकते हैं मिशन, क्योंकि एक ना एक तो बोट आता है हर मैच में। तो अगर दो भी अक्सर काफ़ी बोट भी आ जाते हैं तो आप बोट को मार सकते हैं ईजिली हेडशॉट से। तो यार सेकंड मिशन की तरफ चलते हैं। तो बस सेकंड मिशन है पचिंकी का। तो भाई पचिंकी में जाके असॉल्ट राइफल से 20 अंडे मारने। असॉल्ट राइफल का मतलब M4, AKM, बैरल, स्कारल, इस तरह की गन सारी, ओग रोज़ा और ओग ड्रॉप में से अगर देखें तो ये सारी असॉल्ट राइफल हैं। तो ये रेंगल वालों के लिए, लेकिन जो सैनोक खेलते हैं उन्होंने जाना है सामी, और जो मिरामर खेलते हैं उन्होंने जाना है मैटिन। 20 बंदे मारने हैं असॉल्ट राइफल से। तो भाई अगला मिशन आता है किल 5 एनिमीज विद K98। तो भाई इसके लिए आप इजीली लगा सकते हैं स्नाइपर ट्रेनिंग। ये स्नाइपर ट्रेनिंग में इजीली आपको K98 मिल जाएगी, तो आप इससे बंदों को मार सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट मैच है पिक अप 4x स्कोप ओवर 10 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो भाई 10 मैच खेलने, जब आप पहला मिशन कर रहे होंगे वो हेडशॉट वाला, तो उसी के बीच में 4x आपको एक दो बार मिल ही जाएगा। जो स्नाइपर ट्रेनिंग में आपको स्कोप मिलेगा वो काउंट नहीं होगा इसमें, क्योंकि सिर्फ क्लासिक मोड में जो स्कोप मिलेंगे वही इसमें काउंट होंगे। सिर्फ फ्री रॉयल पास वालों के मिशंस आ गए हैं यार। पहला मिशन है किल 8 एनिमीज इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। तो भाई इसके लिए आप इजीली KRJP लगा के बॉट मार सकते हैं। बहुत बॉट आते हैं वहाँ पे, 8 किल इजीली हो जाएंगे। या फिर आप TDM लगा के, जो अरीना वाला नया है, आप उधर जाके 16 किल्स कर लें, जो ईजी है काफ़ी, हर मैच में तकरीबन हो जाते हैं सबके। तो भाई ये आपने मिशन करना है 16 किल करने अरीना में जाके, TDM बहुत इजी वाला मिशन। तो नेक्स्ट मिशन लैंड मोर देन 1000 मीटर अवे फ्रॉम द एयरप्लेन। तो भाई ये थोड़ा मुश्किल है, आपको बताया था ये कैसे करना है। तो भाई जहां आपका प्लेन होगा आपने पहले प्लेन पे जाना है। जैसे ही आप छलांग मारेंगे आपने जितना दूर प्लेन से जा सकते हैं अपने प्लेन से उतना दूर जाना है। और पैराशूट जब खुल जाएगा तब भी ऐसा करके जाना है जहाँ जितना दूर आप जा सकते हैं चले जाना है, और फिर आपका ये मिशन हो जाएगा। तो टोटल आपने तकरीबन 1500 मीटर दूर जाना है अपने प्लेन से, जहाँ से आपने छलांग मारी थी उस जगह से 1500 मीटर दूर जाना है। तो नेक्स्ट मैच है विन अ क्लासिक मैच 1 टाइम वाइल वेयरिंग अ लेंथी वेस्ट। अच्छा भाई इसमें क्या करना है, आपने क्लासिक मैच जीतना है, रेंगल विकेंडी मिरामर के वाले मैच जीतने हैं, लेकिन उस टाइम आपने लेवल 3 की वेस्ट पहनी हो, वरना आपकी मिशन नहीं होगा काउंट। और नेक्स्ट मिशन है विन 6 टाइम्स इन अरीना। तो भाई जब आप मिशन कर रहे होंगे वो 16 किल इन अरीना, उनमें से ये भी होते जाएंगे आपके विन 6 मैचेस इन अरीना। तो ये 7 ही मिशन हो जाएंगे। और नेक्स्ट है लैंड ऑन एनी रूफ टॉप इन सैन मार्टिन मिरामर 3 टाइम्स। तो भाई ये जो भी आपके आगे आ रही है पे, जहाँ सी जगह मार कर यहाँ सिर्फ उतरना है, वरना बाकी जगह काउंट नहीं होंगी। सिर्फ काफ़ी इधर कंफ्यूजन होती है लोगों के कहाँ उतरना है, तो इतनी सी जगह पे उतरना जहाँ मैंने मार की है। और नेक्स्ट मिशन है ओपन 3 एयर ड्रॉप इन अ क्लासिक मोड। तो भाई 3 एयर ड्रॉप खोलने क्लासिक मोड में, जब पिछला मिशन कर रहे होंगे वाला हेडशॉट वाला, उसमें भी जाहिर सी ड्रॉप तो आप लूटेंगे। या फिर मैं तो आपको कहता हूँ कि आप KRJP लगा के कर सकते हैं मिशन, क्योंकि वहाँ कोई बंदा रियल होता नहीं है और ड्रॉप लूटने कोई नहीं आएगा, तो आप इजीली 3 ड्रॉप लूट सकते हैं। वहीं पे बोट्स आएंगे, उनको हेडशॉट से मार लें, तो वो भी आपका मिशन उसी के साथ हो सकता है। तो भाई काफ़ी इसी मिशन थे इस बार के, थोड़े बहुत मुश्किल भी थे, लेकिन वही आज के लिए इतना ही। तो ये सर सिंपल मिशन थे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें रॉयल पास के विनर्स भी अनाउंस कर दूंगा मैं, कौन विनर नेक्स्ट रॉयल पास के। तो यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।